नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे 10 अक्टूबर की करंट अफेयर की। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने आपके लिए जो है टेलीग्राम ग्रुप है वो क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी पहले, जिसके अंदर आपको डेली की करंट अफेयर की जो PDF है वो मिल जाएगी, प्लस आपको है जो करंट अफेयर की जो PDF है वो तो मिलेगी ही मिलेगी आपको, प्लस आपको क्विज भी हम आपको है प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने जो है हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जाके जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपके काम की चीज़ है। पहले दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक की बिना टाइम वेस्ट किए। और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक है आज का हमारा, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? दोबारा से फिर रिपीट करूँगा क्वेश्चन को, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर है ए 7 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 9 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 10 अक्टूबर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को जो है विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, दोस्तों घबराए ना, आपको हर प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है हम आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करेंगे। प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं स्टैटिक पॉइंट की। वर्ल्ड वर्ल्ड पोस्ट डे, वर्ल्ड पोस्ट डे जो प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों को रोजमर्रा के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जो है वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व डाक दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य है लोगों को जो डाक भूमिका और देशों के आर्थिक विकास इसके योगदान के बारे में योगदान या जागरूकता पैदा करने के लिए इसका इस दिवस का जो है बनाया जाता है। दोस्तों, कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस। दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हमारा, हाल ही में IRCTC ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? दोबारा से फिर रिपीट करूँगा क्वेश्चन को, हाल ही में IRCTC ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए अमेज़न, ऑप्शन नंबर बी जी पे यानी कि गूगल पे, ऑप्शन नंबर सी फोन पे, ऑप्शन नंबर डी पेटीएम। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अमेज़न। हमें अमेज़न ने क्या किया है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने के लिए जो है IRCTC के साथ जो है साझेदारी की है आज से, यानी कि आज से जो है अमेज़ॉन पे जो है जो रेलवे की जो ऑनलाइन बुकिंग है टिकट है वो हम अपने मोबाइल या हैंडसेट से अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं स्टैटिक पॉइंट की। अमेज़ॉन संस्थापक कौन है, तो जेफ बेजोस है। दोस्तों, कौन है, जेफ बेजोस है। दोस्तों, अमेज़न जो स्थापित हुआ था कब हुआ था, 5 जुलाई 1994 के अंदर हुआ था। अमेज़न का जो मुख्यालय कहाँ पे है, दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वह है सिएटल वॉशिंगटन संयुक्त राज्य में है। दोस्तों, दोबारा से फिर रिपीट करूँगा स्टैटिक पॉइंट को, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम की दृष्टि से यही पूछा जा सकता है कि मुझे अमेज़न के जो संस्थापक कौन है, तो जेफ बेजोस है। कौन है दोस्तों, जेफ बेजोस है। और अमेज़न स्थापित कब हुआ था, तो 5 जुलाई 1994 के अंदर हुआ था। अमेज़न मुख्यालय कहाँ पे है, तो सिएटल वॉशिंगटन संयुक्त राज्य में स्थित है। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, आज का जो मेरा बोलने का तरीका प्लस आपको समझाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, प्लीज आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए प्रोवाइड कराएं। दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बिना टाइम वेस्ट किए। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, ऑप्शन नंबर है ए 7 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 9 अक्टूबर,
ऑप्शन नंबर डी 10 अक्टूबर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 10-7। 7 अक्टूबर को जो है विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अक्टूबर को। दोस्तों बढ़ते हैं आगे को स्टैटिक पॉइंट की। साल 2019 से 19 के बाद से 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड कॉटन डे यानी कि विश्व कपास दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो कपास के फायदे के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है, जो इसके गुणों से लेकर इसके उत्पाद परिवर्तन व्यापार और उपभोग से प्राप्त होने वाली लाभों के लिए एक प्राकृतिक फाइबर के रूप में इसका जो है दिवस मनाया जाता है। दोस्तों किस प्रकार से कपास का क्या फायदा है, उसको किस प्रकार से संभाल के रखना है या क्या करना है, इस दिवस के अंदर जो है बताया जाता है और इस दिवस को इसलिए बनाया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के स्टैटिक पॉइंट की। क्वेश्चन नंबर 3 के जो स्टैटिक पॉइंट है दोस्तों हमारा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। दोस्तों कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 में हुई। दोस्तों बात करते हैं इसका आगे। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? तो रोबर्टो एजे विडो है। दोस्तों कौन है? अजय विडो है। दोबारा से फिर रिपीट करूँगा ताकि आपको कोई भी परेशानी का जो सामना ना करना पड़े। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना है 1 जनवरी 1995 के अंदर हुई थी। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक रोबर्टो एजे विडो है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में दिनेश खरा किस बैंक के नए चेयरमैन बने? दोस्तों दोबारा से फिर रिपीट करूँगा क्वेश्चन को। हाल ही में दिनेश खरा किस बैंक के नए चेयरमैन बने? दोस्तों ये चेयरमैन सीईओ और ये सीईओ हो गया, एमडी हो गया, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए SBI, बी BOI, सी BOI, डी कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने है दिनेश खरा को अपना जो है चेयरमैन के रूप में चुना है। दोस्तों बात करते हैं इनके स्टैटिक पॉइंट की, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। बात करते हैं SBI की स्थापना कब हुई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 के अंदर हुई थी। दोस्तों दोबारा से फिर रिपीट करूंगा, कब हुई थी दोस्तों? 1 जुलाई 1955 के अंदर हुई थी। दोस्तों SBI का मुख्यालय कहाँ पे? तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। दोस्तों काफ़ी बार आपको ये बता चुका हूँ, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार आपको मैं है जो है पिछली करंट अफेयर की वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। दोस्तों ऐसा ना करें, आराम से पढ़ें, नोट्स बनाएं और आपको ये भी बताना है कि आप कितने बंदे हैं और आप कौन कौन से जो बंदे हैं नोट्स बना रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि उनके लिए हम कुछ अलग से और कुछ कर पाएं। दोस्तों बात करते हैं आगे, दोबारा से फिर रिपीट करूंगा इसको। SBI का जो स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 के अंदर हुई थी। SBI का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले कुछ बात करेंगे अपन इस क्वेश्चन नंबर 4 के स्टैटिक पॉइंट की, कुछ जानकारी। भारत सरकार ने दिनेश कुमार खरा को 3 साल की, कब तक? 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 7 अक्टूबर से प्रभावी है। खरा वर्तमान में ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडीज के प्रभारी निदेशक थे। दोस्तों कब तक इनकी कितनी टाइम की जो अवधि है? तो 3 साल की जो अवधि है इनको प्रोवाइड किया है। इन्होंने 3 साल तक जो है भारतीय स्टेट बैंक के जो है चेयरमैन रहे हैं। ये कब तक रहेंगे? 3 साल तक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, हाल ही में किस बैंक ने वीजा के साथ किस हाल ही में किस बैंक ने वीजा के साथ साझेदारी करके LAS डेबिट कार्ड सुविधा शुरू की? दोस्तों उसका जो राइट आंसर है वो है, ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए SBI, ऑप्शन नंबर बी BOI सॉरी BOB और ऑप्शन नंबर सी BOI, ऑप्शन नंबर डी ICICI। यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी ICICI बैंक ने जो है वीजा के साथ साझेदारी की है। किसके लिए? LAS डेबिट कार्ड की सुविधा को
सुविधा को शुरू करने के लिए बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के कुछ स्टैटिक पॉइंट की। आईसीआईसी बैंक जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे, तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और उसके इस बैंक का जो एमडी और सीईओ कौन है, तो संदीप बख्शी है। दोस्तों बार बार बता दे रहा हूँ, बार बार बता दे रहा हूँ दोस्तों, हर वीडियो के अंदर हम आपके लिए जो है अलग से स्टैटिक पॉइंट जो ढूंढ के लेके आ रहे हैं, और दोस्तों आप उनको याद कीजिएगा कीजिए। बात करते हैं आईसीआईसी जो बैंक की टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। दोबारा से फिर रिपीट करूंगा, आईसीआईसी बैंक का जो मुख्यालय कहाँ पे, तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। जैसा पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था एसबीआई का मुख्यालय कहाँ, तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, इसका भी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। दोस्तों ये थोड़ी सी आप ट्रिक समझ सकते हो एसबीआई की जो है, एसबीआई और आईसीआईसी जो बैंक का है इनका जो मुख्यालय है बिल्कुल सेम है। आईसीआईसी बैंक ने आईसीआईसी बैंक के जो एमडी और सीईओ कौन है, संदीप बख्शी है। कौन है दोस्तों? संदीप बख्शी। और आईसीआईसी बैंक की टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है, इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कीजिएगा। दोस्तों बात बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स की और। क्वेश्चन नंबर सिक्स आज क्या है, हाल ही में पीएम सबा अल खालिद अल सबाह, ये दोस्तों नाम है किसका, पीएम का। दोस्तों बड़ा सा नाम है दोस्तों, आपको आराम से पढ़ना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोबारा से फिर बताऊंगा आपको किस प्रकार से इसको याद करना है। हाल ही में पीएम सबा अल खालिद अल सबाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ये किस बैंक का, सॉरी किस देश के जो है प्रधानमंत्री थी। दोस्तों बैंक के जो क्वेश्चन है दो चार जो ज़्यादा हो चुके हैं, तो मुँह से बार बार जो है बैंक निकल जा रहा है, दोस्तों माफ़ कीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं इसका जो आंसर है वो है कुवैत, कुवैत, कुवैत के ये प्रधानमंत्री थे, कौन थे सब, ये इनका नाम है सबा अल खालिद अल सबाह। दोस्तों बढ़ते हैं आगे कुछ इनके बारे में, कुछ इनकी थोड़ी छुपी वगैरह बातें बात करते हैं। दोस्तों कुवैत की राजधानी कौन है, तो कुवैत सिटी है। दोस्तों कौन है, कुवैत सिटी। कुवैत की मुद्रा क्या है, तो कुवैती दिनार है। दोस्तों क्या है, कुवैती दिनार। दोस्तों दोबारा से फिर बताऊंगा, कुवैत की राजधानी क्या है, तो कुवैत सिटी है। ओके, कुवैत की जो मुद्रा है वो क्या है, कुवैती दिनार है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सात की ओर। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर सात है वो है, हाल ही में किस सरकार ने डिजिटल डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम की शुरुआत की। दोबारा से फिर रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को, हाल ही में किस सरकार ने डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम की शुरुआत की। दोस्तों कौन सा कार्यक्रम है, तो डिजिटल सेवा है। ऑप्शन नंबर है ए गुजरात सरकार, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान सरकार, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा सरकार, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। पहले दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात सरकार, गुजरात सरकार इसका जो है आंसर है। और गुजरात सरकार ने जो है डिजिटल जो सेवा है उनका जो है कार्यक्रम जो शुरू किया है। बात करते हैं इनके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट की। क्वेश्चन नंबर सात आज का है हमारा, डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के लिए इसके अंदर, सॉरी दोस्तों इसका जो नाम है पूरा डिजिटल सेवा सेतु, दोस्तों इसका जो नाम क्या है, डिजिटल सेवा सेतु। इस कार्यक्रम के अंदर होने वाला क्या है, तो डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य की सभी 14,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए जन कल्याण सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों कितनी जो ग्राम पंचायतों को जो है जोड़ा जाएगा, तो 14,000 ग्राम पंचायतों को जो है जोड़ा जाएगा। बढ़ते हैं आगे इनके स्टैटिक पॉइंट की, गुजरात की राजधानी क्या है, सॉरी गुजरात के जो मुख्यमंत्री कौन है, तो विजय रूपानी है। दोस्तों क्या है, कौन है, विजय रूपानी। गुजरात की राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। दोबारा से फिर रिपीट करूँगा, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो विजय रूपानी है। गुजरात के राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर आठ की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर आठ है वो है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया। दोबारा से फिर रिपीट करूंगा क्वेश्चन को, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर ए 7 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 9 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 10 अक्टूबर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना जो दिवस है मनाया जाता है, के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर आठ के जो स्टैटिक पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, वायु सेना अध्यक्ष कौन है, तो वायु सेना अध्यक्ष कौन है, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। तो कौन है दोस्तों, वायु सेना अध्यक्ष कौन है, तो राकेश कुमार
सिंह भदौरिया है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो है, हाल ही में विस्तारा ने किस बैंक के साथ मिलकर को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया। दोबारा से फिर रिपीट करूँगा इस क्वेश्चन को, हाल ही में विस्तारा ने किस बैंक के साथ मिलकर को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए SBI, ऑप्शन नंबर बी ICICI, ऑप्शन नंबर सी BOB, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ICICI बैंक। ICICI बैंक ने जो विस्तारा के साथ जो है को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने की जो घोषणा की है या करनी है या करेगा। दोस्तों बढ़ते हैं आगे इनके स्टैटिक पॉइंट की। दोस्तों इसका जो ICICI बैंक जो है इसके बारे में बात करते हैं। दोबारा से फिर रिपीट करूँगा इसको कि ई एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो दोबारा से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों ICICI बैंक का जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। ICICI बैंक की जो MD और CEO कौन है, संदीप बख्शी है। ICICI बैंक की टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका। बढ़ते हैं आगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट इस पर नहीं करूँगा क्योंकि आपको बढ़िया तरीके से पीछे समझा के आया हूँ। मेरे दोस्तों आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विस्तारा ने किस बैंक, प्यारे दोस्तों कुछ मिस्टेक होने के कारण जो इसका जो आंसर है आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। प्यारे दोस्तों आपको ये जरूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। दोस्तों इसी प्रकार आपको हम 10 से लेके 12 क्वेश्चन जो है हम आपको डेली करंट अफेयर की जो वीडियो है आपको जो प्रोवाइड करवाएंगे उसके अंदर हम देंगे। कितने देंगे दोस्तों, 10 से 12 क्वेश्चन। हो सकता है कि आपको 15 क्वेश्चन भी मिल जाएं। दोस्तों बात होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हमको मिलते हैं आपके लिए हम प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल है इंडियन टेक इन्वेस्टर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जाके जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों तो साइड वाले बेल आइकन पर जरूर बटन दबा दीजिए ताकि हर प्रकार की नोटिफिकेशन हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।